रास्ता दे आज सुबह मुझे पता चला कि खत्म शहजाद अकबर साहब की एप्लीकेशन के ऊपर वो कल तशरीफ लाए थे FIA के दफ्तर और भी कुछ मामला FIA में कह के गए हैं मेरे ख़िलाफ़, और उन्होंने कल बहुत ज़्यादा दबाव डाला पंजाब पुलिस के ऊपर कि अभी तक आपने मेरे कहने पर नज़ीर चौहान पर FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई। तो मेरे नोटिस में पल पल की खबरें थी कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। आज सुबह जब मुझे उठाऊं तो पता चला कि हमारे पंजाब हुकूमत ने मुझ पे एक झूठा जो है वो पर्चा दे दिया है, FIR दर्ज कर दी है शहजाद अकबर के कहने पर। शेम 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 शेम, मौत भी कबूल है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक सिंपल सी बात कही थी और वो सिंपल बात से एक बहुत बड़ा अफसाना बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी जी के सदके अब इंशाल्लाह इसकी पूरी लड़ाई और पूरी जंग में लड़ूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि नज़ीर चौहान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नज़ीर चौहान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है और हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आला अहदों पर बैठे लोग हैं उनको वॉच रखना है, हमने देखना है ये लोगों का मसलक क्या है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे बारहा दफ़ा इनके सबूतों के साथ पता चला और मैं इस चीज़ को दबाता रहा। आखिर मैंने एक दिन आकर TV पर ये बात कही कि मुझे पता चला कि शायद आपका किसी कादियानी ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक है, तो आप बराए मेहरबानी, क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब के मामले खसूसी हैं, मैं पंजाब का MP हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं सवाल उठाऊँ। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो मैं इंशाल्लाह मीडिया के सामने प्रूफ भी रखूँगा, क्योंकि अब तो खुल के सामने बात आ गई। और मैंने उनको टाइम दिया कि आप इस टाइम तक बराए मेहरबानी अपने आप को आप वजाहत दें अपनी कि ना जनाब, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातम नबी मानता हूँ और मैं इस वादे पे काम कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं नज़ीर चौहान मुझे ये कहने वाले? लिहाजा वो इस तरफ तो ना आए, और हमारी मैं समझता हूँ कि सेंट्रल में बैठ के वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के और वो अगर किसी मसलक से ख़ास मसलक से वो बसते हैं तो फौरी तौर पे मैं उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। और यार ये साबित करें मुझे और किसी भी TV चैनल प्रोग्राम पर आकर ये लफ्ज़ को बोलेंगे कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि अहमदी और कादियानी ये सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आपको याद होगा कि जब ट्रंप के पास कोई कादियानी अहमदी पहुंचे थे तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी, देखें जी हम तो पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया और हम कादियानी फ़िरके से तल्लक मुसलमान रखते हैं तो हमें वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमारे साथ वहाँ जुल्म किया जाता है। तो उस चीज़ को भी जहन में रखें कि हमने कभी भी इतने कादियानी पाकिस्तान में घूमते हैं, अभी कभी मैंने कोई मौलवी नहीं हूँ मैं, हमने कभी भी इस इशू को इशू नहीं बनाया। ठीक है, जो भी घूम रहा है अपने वक्त का ज़िंदगी गुजार रहा है, पूरी मिनोरिटी को हक है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि हमारी सफ़ों में घुस के अपने आप को मुसलमान कह के हमारे अहले सुन्नत वल जमात और दीगर अहले तशी अहले देवबंद अहले सुन्नत वल जमात अहले अपना देवबंद अहले वाबी जितने भी ग्रुप हैं उन सब को नुकसान पहुँचाने वाले ये लोग हैं जो अपने मफादात के लिए हम सबको लड़ाते हैं। सो मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू था और इस पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं कल भी खड़ा था आज भी खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मेरी रिक्वेस्ट पहले थोड़ी सुन लीजिए कि मैं इंशाल्लाह ताला इसके आखिर हद तक जाऊँगा और इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हूँ। और पहले तो कौम देख रही थी कुछ और बातें, लेकिन अब पर्चा हो गया तो इंशाल्लाह मैंने अपने आप को बजाय ये मुझे ढूंढते कि नज़ीर चौहान साहब किधर, उन पर पर्चा हो गया छापे मारें उनको गिरफ्तार करें, तो मैंने अपने आप को ये फैसला सुबह कर लिया था
कि मैंने आज दादा हजूर, क्योंकि मैं मजहबी उमूर कमेटी का चेयरमैन भी हूँ दादा सरकार का, तो मैं एज ए MPA भी आपका हूँ, तो मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं आज सुबह यहाँ से अपनी गिरफ्तारी दूंगा, बेशक आए पुलिस और मुझे गिरफ्तार कर ले, और जो आपका मुझ पर पर्चा है उसके मुताबिक मुझ पर कार्रवाई की जाए। देखें, मैंने तो सुबह का पुलिस को कह रहा हूँ, तमाम अदारों को कह रहा हूँ कि जी मैंने 2 बजे तो पहुँचना है, आपने मेरे खिलाफ एक FIR दी है तो कानून हरकत में आए और मुझे गिरफ्तार करे। चौहान साहब, क्या वजह है कि हुकूमत अब ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है, आपके खिलाफ मुकदमा हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जंगीर तरीन ग्रुप के बड़े अहम रहनुमा हैं और आपको मैनेज करने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसे कि अपोजिशन पर की जा रही हैं, मुकदमा कायम किए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि जो खान साहब के दाएँ बाएँ बैठे हुए हैं लोग, वो सियासी लोग नहीं हैं। आप देखें, अगर तो वो किसी जमात में जीत के आए होते, अगर वो खान साहब के सही मुखलस होते मेरे वज़ीर आज़म के, तो वो उनको बताते कि जी देखें ये मशवरा इस तरह से है, ये मशवरा इस तरह से है। मेरी हमारी ये खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं सर, ये अनइलेक्टेड हैं, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये हमें हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनको हम आपसे अपने से अलहदा करें। और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल, अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं तरीन साहब की, तरीन साहब के ऊपर भी जो फैसला आएगा, हमने पहले दिन भी कहा था कि हम इंशाल्लाह अगर तरीन साहब के ऊपर कोई फैसला ऐसा आया कि उन पर गिरफ्तारी हुई, तो इंशाल्लाह वो कभी भी गिरफ्तारी देंगे, इसमें कौन सी बात है, बंदे गिरफ्तार होते ही रहते हैं। कदम बढ़ाओ चौहान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ चौहान साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोतरा भी आपकी मर्जी यार। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि आप तरीन साहब के साथ मुबैना ज्यादती के खिलाफ खड़े थे, आज आप पे FIR हो गई है, हम ख्याल ग्रुप का कोई बंदा आपके साथ खड़ा नहीं है, क्यों? अच्छा, उसमें पहली बात तो यह है कि आज संडे है, सैटरडे है, तो असूली तौर पर जुमे वाले दिन जब हमारा असम्बली का सेशन ख़त्म होता है, तो ज़्यादातर सारे दोस्त आउट ऑफ सिटी के हैं, और उनको तो ये मैं बता के भी नहीं आया कि मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़ात पे अटैक किया गया है, और अगर उनको पता चलेगा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना कहीं हो जाएँ, या कोई ऐसी बात ना कहें जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चीज़ें खराबी की तरफ जा सकें, इसलिए मैंने इसको अपना पर्चा समझते खुद ही पेश किया था। नहीं, मैं किसी को नहीं मिला जिस केस के बारे में, और मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे ये रिपोर्ट मिली थी पहले भी TV से, कल चलता रहा 92 न्यूज़ पे, जहाँ पे मेरा वर्शन भी नहीं लिया गया और वैसे वन मैन शो चला दिया गया, और मैं समझता हूँ, मैं इत्तेजाज करता हूँ आप सबके सामने भी, और वो 92 वाले मुझसे ज़्यादा मुआवज़त करें इस बात पर कि आप वहाँ पर मेरे 3-4 हमारे बहुत आला उलमा कराम को बैठा कर, और आप एक बंदे का पॉइंट ले रहे हैं, और जिसने उसने ये लफ्ज़ नहीं बोला कि मैं खातम नबीन पर बिलीव रखता हूँ, बातें गोल गोल करके चला गया, तो मुझे क्यों नहीं सुना गया वहाँ? आपने ये तो कहा कि शहजाद अकबर अहमदी कादियानी उनका तहफ़ कर रहे हैं, हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं, जिस शख्स ने उन्हें अपनी सफ़ों में बिठाया हुआ है उसे क्या नसीहत करेंगे? यानी आप अब भी कह रहे हैं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, तो उनका क्यों उन्हें कहते हैं कि इन्हें निकालें? देखें, मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करनी है और मैं करता रहूँगा, मैं बहुत जल्द तमाम जितने भी सबूत हैं मीडिया को भी दूंगा, और अपने प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास भी लेके जाऊंगा, और उन्हें बताऊंगा सर कि ये हमारे लिए, हमारी जमात के लिए ये नुकसानदेह है, और इस तरह की अगर हरकतें होंगी तो हमारी जमात को नुकसान पहुँचेगा। नहीं जी, मैं नहीं ये समझता ये इंतकामी कार्रवाई है, ये शहजाद अकबर साहब को मैंने एक सिंपल सवाल किया था, वो सवाल की बजाय वो इंतकाम की तरफ चल पड़े। और अगर आप यहाँ पे पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया तो क्या आप रेस कोर्स थाने जाएंगे? देखिए जी, मैं आज इंतजार करूंगा शाम तक, ये जो बात आपने कही मैं तो आ गया हूँ यहाँ पर 12 बजे का, मैंने जोर की नमाज भी यहाँ पढ़ी है, मैं शाम तक उनका इंतजार करूंगा यहीं पे बैठा, आप दादा दरबार में मैं बैठा हूँ जी, इधर ही हूँ, जो दोस्त आए शाम तक मुझे गिरफ्तार कर लें अगले, तो मैं कल खुद चला जाऊंगा अपना थाना रेस कोर्स पार्क में, वहाँ पे जहाँ पे मुझे उन्होंने मेरा पर्चा काटा है, मैं वहाँ खुद जाके अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करूँगा। देखें, इसका तो देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा इख्तलाफ, मेरे हम ख्याल दोस्तों का इख्तलाफ पार्टी के अंदर रहते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हो सकता है,
और इख्तलाफ राय होना एक अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे। देखें, इसके बारे में मैं समझता हूँ पिछले 10-15 दिन से तमाम जो सीनियर ऑफिसर सीनियर माशाल्लाह जो हमारी क़यादत है उन सबको इल्म है, सबको इल्म है, और वो सब जो लोग हैं वो अपना इस पे बिल्कुल मेरे साथ राय में भी हैं और मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी है। लेकिन अब मैंने वो तमाम सबूत जो मेरे पास हैं मैंने लेके जाने हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास, और इंशाल्लाह मैं आज या कल ही उनसे रब्ता करूँगा कि सर मुझे टाइम दें, मैंने आपके पास आकर शहजाद अकबर के वो सामने मामला सारे रखने हैं कि जिस वजह से मैं समझता हूँ कि इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए, इनको फौरी तौर पर इस ओहदे से खारिज करना चाहिए। वो कादियानी है या नहीं है, सबूत है आपके पास? बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। देखें, इस बात का अगर वायरल हो रहा है तो मेरे ख्याल से जैसे वो कल आए थे 92 के ऊपर उन्होंने एक प्लान प्रोग्राम चलाया, मैं समझता हूँ उसमें वो बड़े आराम से अपने आप को क्लियर कर सकते थे और वाजह कर सकते थे कि देखें जी चौहान साहब ने मुझ पर ये बयान लगाया, तो मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानता हूँ, मैं तो सुन्नी घराने से पैदा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं सुन्नी घराने से पैदा हूँ, मैं देखें जी मुसलमान हूँ, मेरे इकदार बहुत अच्छे हैं। यार इस तरह ना घुमाओ यार, हमें बहुत घुमा चुके हैं आप लोग, पहले भी हम बहुत ज़्यादा घुमे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसका जवाब खुल के आपको बताएं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।